जो भी सूबे में मुआशी एक्टिविटी है ना उसको बस बंद करना है। स्टील मिल को रिवाइव करने की बात नहीं करते, उसके लोगों को निकाल रहे हैं। अगर FIA से लोग निकाल लें तो आपने वो कोर्ट्स और ये और वो में सही चीज़ पेश ना करके, और FIA से भी आपने वो लोग निकालने जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए। अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन पे अटैक करना है तो सिंध के पब्लिक सर्विस कमीशन पे अटैक करना है और कहना है जी फलाने से एक ऑर्डर दे दिया। अगेन जजमेंट पे तो मैं बात कर सकता हूँ ना, कि मेरा ख्याल है कि वो जजमेंट बिल्कुल ही नामुनासिब थी जो दी गई है, रूल्स बनाए गए और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए, उन रूल्स के तहत लोगों को उन पे चलते हुए बिल्कुल बढ़ती गई। और सूबों में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सिंध के साथ है। मुझे यह देखें, मैं अदालत के कमेंट्स पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। सिंध की हुकूमत सिंध की काबीना चलाती है, हुकूमत को डिफाइन काबीना किया हुआ है, उस काबीना को चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट सूबाई असेंबली सिंध ने किया है और इधर इसे चलती है। ये बड़ी क्लियर बात है और कोई इसमें मबहम चीज़ नहीं। अगर कोई और बात कर रहा है तो वो आइन, मैं इतनी ज़्यादा कहना चाहूँगा बात खामखा, वो फिर आप लोग ले जाएंगे इसको हेडलाइन बना के। असेंबली को इलेक्ट सूबे के लोग करते हैं तो ये पूरा सर्कल बनता है, इस तरीके से चलती है। बाकी जो जिसकी मर्जी है वो कह दे, उसको हम नहीं कह सकते।